के साथ छेड़छाड़ नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। सेना के साथ छेड़छाड़ नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। सेना के साथ छेड़छाड़ नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। रोल बैक, रोल बैक, अग्निपथ रोल बैक, रोल बैक, रोल बैक, अग्निपथ रोल बैक। नरेंद्र मोदी हाय हाय, हाय 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 हाय। नरेंद्र मोदी हाय हाय, हाय 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 हाय। जिस तरह से अग्निपथ स्कीम को लाया गया, जिनके लिए लाया गया वो ही देश भर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनको पता है युवाओं को हमारा भविष्य अंधकार में है, इसलिए ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो बच्चों ने एग्जाम दिया उनका क्या होगा, उनको वो भी अंधकार में, उनके लिए कुछ नहीं है। आप अगर कैमरा वहाँ थोड़ा सा लगाए, वो जो बच्चे हैं जिन्होंने एग्जाम दिए हैं वो हमारा प्रोटेस्ट में आना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, उनकी आवाज कोई उठा रहा है। पुलिस जो है उनको बोल रही है कि अगर आप इस प्रोटेस्ट में आए तो आपके खिलाफ FIR लगाया जाएगा। तो खासकर मैं आपके सामने अगर आप कैमरे में दिखाई तो इनको डराने का काम जम्मू कश्मीर पुलिस और बीजेपी का प्रशासन कर रहा है। सीधी सी बात है, वो चाहते हैं कि किस चीज में प्रोटेस्ट करना करो, अग्निपथ स्कीम में नहीं करो, क्योंकि अग्निपथ स्कीम में एक जरूर लगता नहीं है। जिस तरह से केंद्र सरकार ने स्कीम निकाली है 17 से लेकर 23 वर्ष उम्र कर दिया और आप मेरे को एक चीज बताइए, भारत सरकार ये बताए कि जब इंडियन आर्मी में या हम फोर्सेस में जाते हैं तो हम पैसा कमाने और एक्सपीरियंस लेने जाते हैं। जब कोई भी भारत का लाल, भारत माँ का बेटा जब जाता है भारतीय आर्मी, वो इस भाव से जाता है कि भारत माँ की सेवा करे, देश की सुरक्षा करे। एक साल, दो साल, तीन साल ही जब तक नौकरी आजीवन तक करे। हर एक प्रत्याशी जो आर्मी में जाना चाहता है या डिफेंस फोर्सेज में जाना चाहता है उसके स्वाभिमान के ऊपर ठेस है कि चार साल का पैकेज दिखाकर आप उसको गुमराह कर रहे हो। और कोई कारण नहीं है, इसलिए उनका अपना भविष्य अंधकार में दिख रहा है, इसलिए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिसका हम समर्थन करते हैं।